सब कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज दोस्तों आप देख रहे हैं शिवम पढ़ाई सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। दोस्तों जैसे आप कभी भी शो पर गए होंगे तो आपको दिखा होगा या आपसे कहा गया होगा कि अगर आप इस शॉप से 1500 का या 500 का या 400 का सामान खरीदते हैं तो आपको इतने रुपए प्रतिशत छूट मिलती है। तो हम कैसे जाने कि उन प्रतिशत का कितना रुपए हमारे पास बच रहा है, कितना हमको मुनाफा हो रहा है, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे हमने आपसे बात कही कि हम प्रतिशत कैसे निकालें, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है प्रतिशत। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रतिशत कैसे निकालें, तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि हम प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जैसे प्रतिशत को निकालने के लिए सबसे पहले हमको सूत्र की आवश्यकता होती है। अगर हम मैथ में कोई भी सवाल करते हैं, किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं, तो हमको सबसे पहले उसकी सूत्र को जानना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम इस सूत्र को जानेंगे कि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि प्रतिशत का सूत्र, सूत्र क्या होता है, प्रति का मतलब तो प्रतिशत हो गया और एक है सौ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 5 रुपए है तो उसका 100 भाग, मतलब 5 रुपए का 100 भाग, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलेंगे। जैसे सवाल क्या है, अगर हमने कोई 400 रुपए का सामान खरीदा, 400 रुपए का सामान खरीदा, उसमें हमको 40% छूट मिल रही है, मतलब हमको मुनाफा हो रहा है कितना, 40% का। तो हम इस 40% को कैसे जानेंगे कि हमारा कितना रुपए बच रहा है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले जो 400 हमारा लिखा हुआ है तो जो हमारा 40 लिखा हुआ है तो हम इसको पहले लिख लेंगे, इसी तरह 400 फिर गुणे का लगा देंगे निशान, उसके बाद 40 लिखा है 40 लिख देंगे गुणे, और सूत्र क्या होता है 1/100 कर देंगे हम। ठीक, अब आपको देख रहा होगा कि 2 जीरो इसमें है, 1 जीरो इसमें है, टोटल मिला के कितने जीरो हो गए, 3, और हमारे पास कितने जीरो है टोटल मिला के, 2, प्रतिशत देने के लिए। तो प्रतिशत देने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे इनको हम हल करते हैं। जैसे ये हमारा 1/100 है, ये हमारा भाग में है, तो ये हमारा 40 है पूरे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे, तो दूसरे जीरो से काट देंगे। अब हमारा ऊपर क्या बचा, अब हमारा बचा दोस्तों, तो देखते हैं कि हमारे ऊपर क्या बचा। अब हमारा दोस्तों इसमें देख रहे होंगे कि हमारा ऊपर बचा इसमें 40 × 4, अब 40 को हम 4 से करेंगे गुणा, तो आएगा 160 रुपये। तो दोस्तों यही हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब हमको अगर हम 400 का सामान खरीदेंगे तो हमको 160 रुपये का बचत होगी। तो ये दोस्तों रहा पहला सवाल। जैसे दूसरा सवाल की अगर बात करें, जैसे हम अगर कोई सामान 700 रुपये का खरीदते हैं और उसमें हमको 30% छूट मिलती है, मतलब हमको 30% की बचत होती है, तो हम कैसे करेंगे कि ये 30% हमारा कितना रुपए बचा। तो चलिए इसको भी उसी तरह हम हल करते हैं। जैसे 700 हमारा है तो हम 700 लिख लेंगे गुणे 30 है, 30 लिख लेंगे बटे 1/100 होता है, 1/100 कर दिया, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब 1 जीरो से 1 जीरो हमने काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब ऊपर देखते हैं कौन कौन संख्या बची, ऊपर दोस्तों हमारा 70 बचा, गुणा बचा और 3 बचा। अब हम 70 को 3 से कर देंगे गुणा, मतलब 210 रुपये, मतलब अगर हम 700 का सामान खरीदेंगे तो हमको 210 रुपये की बचत होगी। तो ये हमारा क्या निकल के आया, प्रतिशत निकल के आया, इसी को बोलते हैं प्रतिशत। जैसे हम तीसरा सवाल देखें कि तीसरा सवाल क्या कह रहा है, जैसे अगर हम कहीं भी किसी भी शो पर जाते हैं और अगर 1200 का सामान खरीदते हैं, कितने का, 1200 का सामान खरीदते हैं, तो उसमें हमको कहा जाता है कि आपको 60% की छूट मिलेगी, मतलब आपको 60% का बचत होगा। तो हम कैसे करेंगे कि हमारा 60% कितना रुपए हुआ।
चलिए देखते हैं हल करके कि हमारा कितना रुपए बचता है 60% रुपये। तो जैसे हमारा 12 है, 1200 लिखेंगे, उसके बाद में पूरे लगा देंगे, फिर 60 है 60 लिख देंगे, पूरे लगा देंगे और 1/100 कर देंगे। 1/100 करने के बाद 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। अब हमारा जो ऊपर बचा वो रख देंगे, ऊपर हमारा बचा 224 और पूरे 6, यानी हमारा क्या बचा, ऊपर बचा। अब हम 120 को 6 से कर देंगे गुणा 12 छक्का 96 और 0 लगा देंगे, इतना बचा हमारा 960 रुपये। अगर 1200 का हम अगर कोई सामान खरीदते हैं तो हमारे 960 रुपये बचता है। अगर ये सवाल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आप तो हमारे YouTube चैनल शिवम पढ़ाई सेंटर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर करें ताकि आप अनेक बच्चों को प्रतिशत निकालना मालूम चल जाए और अधिक से अधिक लोगों को पता चल जाए।